जेवियन लिमिटेड कंपनी ने भविष्य में 16,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का फैसला लिया है। इसके अलावा कंपनी ने कई राज्यों में हाइड्रो पावर प्लांट्स, विंड प्लांट्स और सोलर प्लांट्स लगाए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल है। एसजेवीएन के डायरेक्टर नंदलाल शर्मा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल में नाथपा झाकड़ी जो कि 1500 मेगावाट, रामपुर जो कि 412 मेगावाट की परियोजना है। नाथपा झाकड़ी 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 412 मेगावाट का रामपुर प्रोजेक्ट है। दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से 1912 मेगावाट हम जनरेट कर रहे हैं, विंड से और सोलर से। इसके अतिरिक्त जो हमारी क्षमता है 2002 मेगावाट पहुंचाने के लिए, वो हमें विंड और सोलर से आती है। कुल मिलाकर 2002 मेगावाट की क्षमता इंस्टॉल कैपेसिटी एसजेवीएन इंस्टॉल कर चुका है। आने वाले समय में अगले 5 वर्षों में हमारा लक्ष्य है कि 5000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी क्रिएट की जाए, जो हाइड्रो थर्मल विंड और सोलर से आए। प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि जांगी थोपर थोपर पुवारी प्रोजेक्ट जो है वो एसजेवीएन को दिया जाता है, तो हम उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले ये आग्रह किया था सेंटर के तीनों पीएसयू से, एसजेवीएन, एनएफपीसी, एनटीपीसी, इनमें से कौन पीएसयू उसको करने के लिए तैयार है और कितना अपफ्रंट प्रीमियम इन टर्म्स ऑफ फ्री पावर देने को तैयार है। तो हमने तय किया था कि जो प्रोजेक्ट जो है हम एमओयू मोड के ऊपर करने को तैयार हैं, जो 12% फ्री पावर के ऊपर, जैसे पहले हम कर रहे हैं नाथपा झाकड़ी या रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन। और हमारी लोकेशनल एडवांटेज है, एसजेवीएन पहले नाथपा तक हमारा पूरी एस्टेब्लिशमेंट है, अगर जांगी थोपर थोपर कुमारी प्रोजेक्ट हमें दिया जाता है तो एकदम से हम इसको करने के लिए तैयार होंगे। और एसजेवीएन में वैसे भी हिमाचल प्रदेश करीब 26-27% शेयर जो है हिमाचल प्रदेश सरकार का है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार को दोनों तरफ से कि हम इसको जल्दी भी कर देंगे और इसमें हिमाचल प्रदेश का हिस्सा भी चल रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर, विंड पावर, सोलर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। पूजा शर्मा, आदर्श हिमाचल ब्यूरो।